पुर्तगाल में 2022 में कौन से नए लॉज आ चुके हैं जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है? पुर्तगाल की जो TRC है वो कितने टाइम में अब मिलेगी? पुर्तगाल में आपको कितने टैक्स पे करने पड़ेंगे और पुर्तगाल में आपको कितना देर स्टे करना पड़ेगा? मेरा नाम है शहबाज इमाम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज इमाम व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो का टॉपिक है जी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस, यार ये वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ काफ़ी दफ़ा इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन फिर अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है और लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी, मैंने कहा एक वीडियो बनाकर उनको एक मैसेज डिलीवर कर दूं, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे बार बार, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है यार मेरा भी, हम इंस्टाग्राम पे फिर वो चीज़ें एक दफ़ा बार बार पूछना शुरू कर देते हैं, भाई वो बंदा ऐसा बोल रहा है, वो बंदा भाई वो बंदों की बातें ना सुना करें, मुझे प्लीज़ इस तरह के मैसेज ना किया करें, मैं जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूँ वो मेरे हिसाब से 100% करेक्ट होती है, ठीक है? तो बाकी जो इधर उधर से उठा के चीज़ें, वीडियो इधर से कंटेंट देखा, उधर कंटेंट देखा, डाल मिक्स करके डाल दिया, मुझे अलहमदुल्ला किसी का कंटेंट चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा लोग कंटेंट चोरी करता है, मुझे पता है कौन कौन से बंदे वो कंटेंट चोरी करते हैं। आपको भी नॉलेज होगा, जो लोग मुझे देखते हैं वो कई और चैनल्स को भी देखते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो बंदा किसका कंटेंट चोरी कर रहा है और वो उस तरह की मेरी वीडियो उसके बाद वीडियो बना के तो जो है ना इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देते हैं। खैर एनी वे कोई मसला नहीं है सर, लेकिन उनको चाहिए कि भाई सही वे में डिलीवर करें, अपने से दो तीन इधर उधर से लगा के ना करें, ताकि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। अच्छा जी, पहले बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से कि जी इमिग्रेशन क्या स्टॉप होगी, बंद हो जाएगी, क्या होगा क्या होगा? बिल्कुल जी, पुर्तगाल इमिग्रेशन बंद नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि इनको इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके पास वर्कर्स नहीं है ज़्यादा इनकी कंट्री में काम करने के लिए, तो ये इमिग्रेशन बंद नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जहन से निकाल दें कि इमिग्रेशन बंद करेंगे, ये हमारे से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं जो हम टैक्स पे कर रहे हैं इनको, ठीक है? पहले TRC कार्ड की बात करते हैं, पहले TRC कार्ड के ऊपर कितना टाइम लग रहा है जी? पहले TRC कार्ड के ऊपर 2022 में अभी जो अप्रैल चल रहा है इसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊं तो 2 साल लग रहे हैं, 2 साल अपने जहन में रख रहे हैं, 1.5 साल के बाद आपको ईमेल आएगी, ईमेल के बाद आपको फिंगर से डेट 5-6 महीने बाद मिलेगी, तो 2 साल आपके लग जाएंगे। उसके बाद ये आपको टैक्स कितने पे करने हैं, मोस्टली लोगों का जहन में होता है यार 6 टैक्स पे करेंगे कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने जब तक यहाँ पर रहना तो ऑफकोर्स काम करना, तो टैक्स पे होना ही, टैक्स आपका ऑनर ने पे करना जहाँ आप काम कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट निकाल देंगे, 6 टैक्स पे करके हम बैठ जाएंगे, बाद में 1.5 साल बाद जाके हम जो है ना कर लेंगे, फिंगर करवा लेंगे आपको, लास्ट पे जब आपके बायोमेट्रिक होने वहाँ पे भी 3 टैक्स उन्होंने फ्रेश चेक करने हैं। तो आप ये 1.5-2 साल फारिग थोड़ी बैठेंगे, आपने काम तो करने, तो आपके टैक्स ज़्यादा चले जाते हैं, तो कोशिश करें टैक्स ज़्यादा ही आपके जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि आपका जितने ज़्यादा टैक्स जाएंगे, टैक्स बेस पे जो आपको दे रहे हैं रेजिडेंस, तो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका केस होगा, ठीक है? ये ज़रा अपनी ज़रा अंडरस्टैंडिंग को ज़रा ना क्लियर करें कि टैक्स पे किया करें, टैक्स ना, जो लोग इलीगल काम करते हैं, जो खरीदे हुए कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने या दूसरी कंट्री में बैठ के इलीगल काम कर रहे हैं, वो भी कम टैक्स पे करते हैं, बाद में जब आते हैं तो उनके कार्ड लेट हो जाते हैं, उनको पंगा डाल जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। खैर ये इलीगल चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, ये अच्छी बात नहीं है, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप यहाँ पे आके लीगल वे में इमिग्रेशन लें। 2022 मार्च से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉज चेंज कर दिए हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी का लॉ चेंज किया है, फिर इन्होंने फाइनेंस के अंदर भी लॉ चेंज कर दिए हैं फाइनेंस नंबर के लिए, उसके बाद अगर आपने एक्टिविटी ओपन करनी है उसका भी लॉ चेंज कर दिया इन्होंने 18 मार्च के बाद। उसके बाद इनकी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी, जो ये सेफ का जो नाम है वो चेंज, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे, मैं उसका आर्टिकल अभी रीड कर रहा हूँ और उसकी जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं आजकल में, क्योंकि वो उन्होंने फाइनलाइज कर रहे हैं आजकल में, बड़ी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन चल रही है इनकी असम्बलीज के अंदर, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको अपडेट करेंगे वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी स्ट्राइक्स भी जो है ना कंटिन्यू होने वाली हैं, यहाँ पर चलने वाली हैं, जो NGOs हैं इमिग्रेंट्स की वो यहाँ पर स्ट्राइक भी करने वाली हैं, मेरे ख्याल से ये 25 को एक स्ट्राइक है, फिर नेक्स्ट मंथ की 1 को स्ट्राइक है मेरे ख्याल से, मैं न्यूज़ में पढ़ा था इनकी। तो बेसिकली ये ब्राज़ीलियन जो लोग हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तादाद है इमिग्रेंट्स की वो ब्राज़ीलियन की है, तो जाहिर बात है 2 साल बहुत लंबा अरसा है, कौन यहाँ पे रहेगा 2 साल, धक्के खाएगा, यहाँ पे आके जॉब्स नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनको ये, जैसे मैं वो आर्टिकल रीड कर रहा हूँ, वो जो मेरा एनालिसिस है वो आर्टिकल, वो न्यूज़ के अंदर वो जो लिख रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं इनके मिनिस्ट्रीज, उससे लग रहा है कि ये लोग बहुत
तेज़ी में आएंगे, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। बेसिकली जो डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं इनके, जो इन्होंने पुलिस का डिपार्टमेंट है ऐड किया है इसके अंदर, GNR का डिपार्टमेंट ऐड किया है उनके अंदर, जो उनके इंस्पेक्टर्स हैं वो अंडर ट्रेनिंग है उनका स्टाफ, वो उस डिपार्टमेंट जो नया डेवलप कर रहे हैं सेफ को चेंज कर रहे हैं, उसके जो नए इंस्पेक्टर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप काम अच्छा करें और सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। वैसे भी मेरे एक दोस्त की जो है ना, दोस्त के दोस्त की जो है फिंगर्स हुए हैं, तो अभी कई लोगों का 6-6 महीने में 6-6 महीने बाद कार्ड आया था और उसका भेजा सेफ से 8 दिन के अंदर जो है ना उसका कार्ड आ गया है। तो इस तरह चीज़ें जो ना काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट होंगी, ऐसा नहीं है कि ये 2 साल का टाइम पीरियड चलेगा। जो न्यूज़ में हैं, जो इनके आर्टिकल्स हैं, जो इनकी मिनिस्ट्रीज़ की न्यूज़ है, उससे ये फील होता है कि ये लोग एक दफ़ा फिर स्पीड पकड़ेंगे और फिर जो है ना ये साल के ऊपर, साल डेढ़ के अंदर जो है ना गेम हो जाएगी। कुछ 7-8 महीने ये नीचे आएंगे और ईमेल्स भी थोड़ी फास्ट करेंगे, जो ईमेल्स जो आपको रिसीव होती है उस पर भी तेज़ी आएगी। उसका जो सिस्टम है रोबोटिक सिस्टम होता है बेसिकली, वो एक रोबोटिक सिस्टम के थ्रू जो है ना आपकी ईमेल जनरेट होती है, उसको भी ये अपग्रेड कर रहे हैं, उसको भी अपडेट कर रहे हैं ये, कि वो भी जो है ना बेहतर काम करे, ताकि लोगों को इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। इमिग्रेंट्स की वजह से ये कंट्री चल रही है। और इनकी जो लेबर मिनिस्टर है उसने अनाउंस कर दिया कि हमें नेक्स्ट जो है ना बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, हमें शदीद कमी है लेबर की हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में जो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लेबर इनके पास है नहीं है। तो ये सीन चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे हेल्प मिली होगी इस वीडियो से और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको पुर्तगाल में फाइल लॉक करवानी है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको थोड़ा लेट मिले जवाब तो आप मुझे जो है ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सेकंड चैनल है भाई का लाइव वी शहबाज, फैमिली चैनल है डेली व्लॉगिंग, जो पुर्तगाल से रिलेटेड पुर्तगाल में मेरी लाइफ है वो मैं उसके ऊपर डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नमाज़ पढ़े, अपने भी दुआ करें, भाई के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करें। अगर आप फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो फिर भी मैं इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ी।